बहुत खुशी की बात है और पिछले एक साल से हम इस फिल्म को कंप्लीट करने की कोशिश में थे, कुछ डेट्स की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, जी किसी रीज़न की वजह से ये टाइम जो है इतना लेट आया, अदरवाइज हमने इसको इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली थी और ये करने का सौभाग्य जो है वो साथ साथ मिल रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों हरीश सिन्हा भी बहुत हैं डायरेक्टिंग द फिल्म, एज डू क्या कहना चाहेंगे, प्रोड्यूसर साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन आज जैसे बताया, आज बहुत रेयर होता है वन प्रोड्यूसर टू फिल्म्स एट द सेम टाइम। नहीं, और मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत लकी रहे हैं कि हमको बेदी सर जैसे प्रोड्यूसर मिले हैं, बिकॉज़ इन्होंने क्रिएटिविटी में कभी हमको रोका नहीं है किसी भी चीज़ में, जो हमको करना था एज डायरेक्टर्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी सारी पूरी की हैं। तो मेरे ख्याल से एक डायरेक्टर को और कुछ चाहिए नहीं होता है, अपने प्रोड्यूसर का अगर सपोर्ट मिले इसी तरह तो उसके लिए उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़ यही थी, बेदी जी का सपोर्ट। देखिए, कास्टिंग तो हर फिल्म की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वरना फिल्म आपकी सीधे सीधे बैठ जाएगी। और एजाज ने जो रोल प्ले किया है इस फिल्म में, जैसा वो रियल लाइफ में है वैसा ही वो स्क्रीन पे है, तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई हमें ये कास्ट, मतलब पर्टिकुलरली उसको ये रोल में बिठाने की, तो जैसा नेचुरल था वैसा ही वो स्क्रीन पे है। जी जी जी, ये फिल्म का पहली बात तो टाइटल लव डे, प्यार का दिन है, और दूसरी बात ये कि लव डे को हम हमेशा एसोसिएट करते हैं वैलेंटाइंस डे को लड़की के साथ, कि एक लड़का लड़की में ही प्यार होता है, बट ऐसा नहीं है। लव डे मतलब प्यार आपका किसी से भी हो सकता है, माँ बेटा हो, भाई बहन हो, और इस केस में दोस्तों के बीच में प्यार है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो 14 फेब से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये टाइटल है।